आज के सेशन में अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन प्रिपरेशन मेथड में वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से भी आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एल्किल हैलाइड में अपन ने फर्स्ट देखा था कि एल्किल हैलाइड से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अदर कंपाउंड से एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अपन ने रिडक्शन मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं वुड्स रिएक्शन, जो एक नेम रिएक्शन है। इसमें देखिएगा कंसेप्ट पहले देखते हैं। कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होगा इसमें देखिएगा, एक तो होता है आपके सममित और असममित, सिमेट्रिकल ठीक है। सिमेट्रिकल में देखिएगा जैसे ही एल्किल हैलाइड R प्लस यहां पर सोडियम की रिएक्शन करवाई जाती है 2 मोल एल्किल हैलाइड की। अब इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड सेम है, सेम होने पे क्या हो जाएगा, ये यहां से 2NaX यहां पर 2 मोल लिया जाता है, और ये रिएक्शन जो है वो ड्राई इथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। ड्राई इथर की प्रेजेंस में, शुष्क इथर, शुष्क इथर की प्रेजेंस ठीक है। यहां से सममित एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है आर आर ठीक है, जैसे CH3 CH3 क्लियर, प्लस 2NaX। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यहां पर CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, यहां से ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा ड्राई इथर की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, CH3 CH3, सममित एल्केन फॉर्म होते हैं 2NaCl क्लियर। सेकेंड आ सकता है आपके यहां पर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में अपन बात करते हैं जैसे आर एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स आर डैश, ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से एक मिक्सचर बन जाता है इसमें ठीक है। एल्केन का क्या मिलता है, इसमें मिक्सचर मिलता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन ये देखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू और आयोनिक मैकेनिज्म दोनों के थ्रू कंप्लीट होता है। इसमें फर्स्ट अपन देख लेते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओके। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब भी बात की जाती है तो यहां पर जैसे सोडियम मेटल है Na, वो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब जैसे ही ये आर एक्स
अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन का जैसे ही अटैक होता है एक्स रिलीज हो जाता है, आर फ्री रेडिकल प्लस एक्स माइनस प्रिपेयर होगा। आर फ्री रेडिकल जो है वो डाइमराइजेशन करेगा, द्विलकीकरण डाइमराइजेशन द्विलकीकरण, जिससे आर आर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। सेकेंड आयोनिक मैकेनिज्म की बात करें अपन, आयोनिक मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, टू एन ए टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्लस टू एन ए प्लस बनाएगा। ओके अब जैसे ही ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप पर, और यहां से ये हैलाइड रिलीज हो जाता है, तो आर माइनस बनेगा प्लस एक्स माइनस। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर माइनस जो है दूसरे मोल एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है और हेलोजन रिलीज हो जाता है, और आर आर प्लस एक्स माइनस। ओके तो दो एक्स रिलीज हो गए, यहां पर क्या हो जाएगा, टू एन ए प्लस प्लस टू सी एल माइनस, दोनों टू एन ए सी एल बना लेते हैं। क्लियर। तो अपन कह सकते हैं वुड्स रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल कम आयोनिक मैकेनिज्म है। क्या है, फ्री रेडिकल कम आयोनिक मैकेनिज्म है। ये दोनों टाइप से कंप्लीट हो सकता है। क्लियर।